उज्जैन में दिखेगा सृष्टि की सत्ता सौंपने का अद्भुत नजारा। आधी रात को होगा हरिहर मिलन। आज रात करीब 11 बजे भगवान महाकाल की सवारी निकाली जाएगी, जो आधी रात को गोपाल मंदिर पहुंचेगी। यहां भगवान महाकाल सृष्टि का भार भगवान विष्णु को सौंपेंगे। यह परंपरा हरिहर की माला बदल कर निभाई जाएगी। इस हरिहर मिलन भी कहते हैं। जब देखिए शयन आरती के पश्चात गोपाल जी से मिलने के लिए, द्वारकाधीश से मिलने के लिए बाबा महाकाल की जो सवारी रहती है मंदिर प्रांगण से निकलती है और लगभग 11:30 के मध्य में आ जाती है। उसके बाद में वैकुंठ चतुर्दशी में जो पुरानी परंपरा चले आ रही है, उस हिसाब से बाबा महाकाल की तरफ से तुलसी जी की जो माला रहती है वो धारण की जाती है, जो गोपाल जी की तरफ से होती है। और महाकालेश्वर मंदिर से जो बिलपत्र की माला आती है वो गोपाल जी को धारण करवाई जाती है। और मंदिर के अंदर घनश्याम पुजारी जी, जो शासकीय पुजारी है महाकालेश्वर मंदिर के, वो मंदिर में स्थापित शालिग्राम जी की मूर्ति का विधिवत अभिषेक करते हैं, गजानन गणपति महाराज का अभिषेक करते हैं। और फिर जो एक पूजा होती है वो बाबा महाकाल की भी की जाती है और नॉर्मल जो औपचारिक पूजा होती है। और फिर हरिहर मिलाप के जो मंत्र वगैरह होते हैं वो सुप्त वगैरह पढ़े जाते हैं और फिर सवारी वापस भस्म आरती के पूर्व मंदिर प्रांगण में प्रस्थान करते हैं। देखिए वर्ष में एक बार वैकुंठ चतुर्दशी आती है और उस दिन बाबा महाकाल की सवारी स्वयं बाबा महाकालेश्वर का स्वरूप चंद्रमौलेश्वर स्वरूप में गोपाल मंदिर द्वारकाधीश के मंदिर जाते हैं। वहाँ पर रात्रि काल में हरि और हर का मिलन होता है। वहाँ पे भगवान के रात्रि में पूजा होती है, हरि और हर के मंत्रों के द्वारा अभिषेक पूजा षोडशोपचार पंचामृत पूजा सब की जाती है, हरि हर का मिलन कराया जाता है। और हरि हर मिलन के पश्चात में रात्रि में वापस से पालकी फिर भगवान के महाकालेश्वर मंदिर प्रस्थान करती है।